अब रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जामो में रहने वाले मोहम्मद आरिफ, जिनका वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अब उस सारस से बिछड़ गए हैं जिसकी उन्होंने महीनों तक सेवा की थी। अमेठी जिले के रहने वाले मोहम्मद आरिफ एक सारस के साथ अपनी दोस्ती के लिए मशहूर थे। उन्होंने इस सारस की जान बचाई थी। इस सारस के साथ उन्होंने अपने तमाम सफर तय किए थे। सारस की आरिफ से दोस्ती ऐसी थी कि जब भी वो चलते तो सारस उनके पीछे कई किलोमीटर तक हवा में उड़ता रहता। इस सारस को मोहम्मद आरिफ ने अपने खेत में बचाया था। खेत में पैर टूटे सारस को देखकर आरिफ भावुक हो गए थे, उसे अपने घर लाकर इसका जीवन बचाया। लेकिन अब जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो वन विभाग की टीम ने आरिफ से ये सारस वापस ले लिया। अमेठी के अधिकारियों ने आरिफ से यह सारस लेकर इसे ऊंचाहार के पक्षी विहार में भेज दिया है। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरिफ से यह सारस इसलिए वापस लिया गया क्योंकि मैं आरिफ से मिलने गया था। अगर अधिकारियों में दम हो तो वो नरेंद्र मोदी का वो मोर लेकर दिखाएं जिसकी तस्वीर वो अपने पीएम आवास में शेयर करा करते थे। आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी उसको, टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, सारस से मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। मोहम्मद आरिफ की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोगों ने कहा है कि अगर आरिफ ने इस सारस की देखभाल की तो उसे उनके ही पास छोड़ देना चाहिए। सरकारी सिस्टम के जरिए तमाम चीजें की जाती हैं, लेकिन प्यार का कोई पर्याय नहीं होता। सरकारी सिस्टम उस प्रेम के आगे छोटा होता है जो आरिफ ने उस सारस को दिया। अगर हो सके तो सारस आरिफ को लौटा देना चाहिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।